आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। मैं जा रहा हूँ परजाई जी, उसको ढूंढ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं भी चलती हूँ, मैं क्या करूँगी घर पे, मैं भी ढूंढती हूँ चल के। ये सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा सब मिलके ढूंढ। रविंद्र पुत्र जोर दी बोल, की बोल रहे? रोहन मिल गया। मैं क्या सोच रही थी वीर जी, अब रोहन को ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, है ना? थैंक यू बेटा जी, थैंक यू थैंक यू। पता नहीं कितना टाइम लग जाए, है ना? भूख बड़ी तेज लगी है, कुछ खा के ही निकलते हैं। अरे पुत्र, वो जो क्या अपना कल्लूराम हलवाई की मिठाई, बेटा जरा लेके आना डब्बा, कुछ खा के मिठाई खा के निकलते है ना। अरे मैं यहाँ हूँ, दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। मिठाई का नाम मेरे सामने मत लो। आ गया मेरा पुत्र। आए हाय, कब से ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, तो थक गए। आलो जी आलो, लड्डू खाओ। न्यम 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 न्यम। कितनी टेस्टी है ना। आए हाय हाय हाय, वीर जी कल्लूराम हलवाई की मिठाई का ना जवाब नहीं है, मजा ही आ गया। काश रोहन भी होता। सही बात है। अगर रोहन होता ना तो पार्टी से आता लड्डू ही खा जाता। कोई बात नहीं, उसके लड्डू मैं खा जाऊंगा। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। ये खा लेगा, है ना? बचेगा तो खाएगा। अमन के बच्चे पिद्दू कहीं का मैं बाहर आ गया ना, तो सबसे पहले तेरे को लड्डू बना के खा जाऊंगा। वीर जी। हाँ जी। आज ना मैंने रोहन की पसंद की ना सारी आइटम्स बनाई थी, पता है? वो आलू का पराठा और गाजर का हलवा। कितना टाइम लगाते हो, बाहर भी नहीं आ सकता। रोहन तो यहाँ पे है नहीं, वेस्ट हो गया सब। मतलब है मैं यहाँ पर ही हूँ, पहले पता होता तो घर से भागने का काम कल कर लेता। तो क्या हुआ, अब तो बाहर निकल सकता हूँ। कह दूंगा कि यही कहीं था, आपने ढूंढा नहीं। नहीं रोहन नहीं, इनको पता चलना चाहिए कि मैं पूरा दिन भाग सकता हूँ। परजाई जी, मैंने ना खबरों में देखा था आज बड़ी ठंड पड़ने वाली है। मैं तो ना वो मोटी वाली जयपुरी रजाई लेके सोऊंगा। हाँ ये तो सही है वीर जी, बहुत ठंड है आज। इस ठंड में फर्श पे बैन बन जाएगी और ऊपर से भूख भी जोर से लग रही है। लेकिन रोहन तुम बाहर मत निकलना। रविंदर रविंदर देख, रविंदर रावी का फॉर्मूला नंबर 444 यूज करना पड़ेगा। अच्छा चलो वीर जी, अब ना जल्दी से खाना वाना खाते हैं, पराठे भी तैयार हैं और गाजर का हलवा भी तैयार है। हाँ। चलो। ओ तेरी, मैं यहाँ पर ठंड से मर रहा हूँ और ये लोग। कोई बात नहीं, चाहे जितना ठंड लगे चाहे जितनी भूख लगे, मैं बाहर निकलने वाला नहीं। अगर रोहन चला गया तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा। हाय ना, ओए रविंदर, रविंदर, हाय हाय, रविंदर, ओए रविंदर पुत्र, रविंदर क्या हुआ पुत्र, तुझे बोलता क्यों नहीं? वीर जी ये बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? रविंदर क्या हुआ तुझे? रविंदर, 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 वीर जी बोल क्यों नहीं रहा? रविंदर क्या हुआ तुझे? जाग जा प्लीज प्लीज। हॉस्पिटल जाके आना, इन्हें मैं डॉक्टर को बुला के आता। नहीं वीर जी फोन मत करो, इसे जल्दी से जीप में लेके चलते हैं। देखो ना बात ही नहीं कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। रविंदर आप लोगों को जो भी करना है लेकिन जल्दी करो,
पापा जी, मैं रविंद्र को बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है। आई एम सॉरी पापा जी, आई एम सॉरी आंटी, प्लीज रविंद्र को ठीक कर दो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड रविंदर, आंखें खोल। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलूंगा। तू पागल हो गया? ओए चुप कर पिद्दू। प्रॉमिस? तू मुझे बुद्धू बना रहा था ना? बुद्धू तो तू पहले से ही है। अच्छा, मैं अब सच में घर छोड़ के जा रहा हूँ। सोच ले, तू घर छोड़ के नहीं भागेगा, और एक बार जो तूने कमिटमेंट कर दी तो बस कर दी। क्या बोल बोल, अभी बोल। मुझे पता है यू लव मी एंड वी ऑल्सो लव यू, फिर भी तू इतनी देर सोफे के नीचे छुपा था। तुझे पता था? शुरू से पता था। आगे से ऐसी शैतानी करेगा तू? बोल। नहीं। और वो पराठे और गाजर का हलवा का क्या? भाग गया घर से तेरी तरह। ओए मिल गया मिल गया मिल गया, देखो मुझे आलू मिल गया। ओ इसी को ढूंढ रहे थे ना तुम लोग? ओए ये ना टोकरी के पीछे पड़ा हुआ था, और मैं हूँ सारे मोहल्ले में ढूंढ रही थी। ओए सोहन चल, मैं ना तुझे आलू के पराठे बना के खिलाती हूँ। उफी, हम लोग आलू को नहीं ढूंढ रहे थे, हम लोग रोहन को ढूंढ रहे थे। आपने आलू को ढूंढा है? वो ये खो गया था? मुझे तो लगा आलू खो गया था।